बस इतने पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, देखो ठीक है ना, रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अपन को कभी नहीं छोड़ना है बच्चों, कभी भी नहीं छोड़ना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है, इनसे क्वेश्चन पक्का आने ही आने। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम अच्छे से समझ लें तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालना, कंपेयर करना बहुत इजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए बच्चों, अगर मैं यहां पर एक बेस की बात करूं तो बेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे रूल्स है बेस के लिए, लुईस बेस की थ्योरी है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ कुछ हमारे पास क्या है, थ्योरीज की, उन थ्योरीज के हिसाब से बेस की डेफिनेशन क्या की गई, डिफाइन की गई, क्लियर। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास मान लीजिए एक आर एन एस टू है, एक एमाइन है, और एमाइन के साथ मैंने एक एसिड ले लिया एच बी आर, लेट सपोज एन के पास लोन पेयर है, आपको दिख रहा है लोन पेयर है, और इसके पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन की वजह से यहां पर डेल नेगेटिव और यहां पर हाईली डेल पॉजिटिव है, आपको पता है क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो मुझे बताइए एन का लोन पेयर क्या करना चाहेगा, इस एच को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेना चाहेगा। तो सोचिए बच्चों, अगर यहां पर ये एक बेस है, एक बेस की तरह काम कर रहा है, क्यों ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि अपन को बेस की तरह डिफाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टीज आती है। पहली प्रॉपर्टीज आती है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब क्या होगा कि ये NH2 ग्रुप, अगर यहां पर इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो H प्लस एक्सेप्टर, ठीक, H प्लस एक्सेप्टर का क्या मतलब हुआ, क्या ये H प्लस अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस अब्स्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, बेसिक। एक बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर सबसे पहली प्रॉपर्टी, सेकेंड एच प्लस एक्सेप्टर, ये अलग अलग थ्योरीज बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर हमको मेनली जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अगर मेरे पास कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ निकालने को बोला जाए तो आपके माइंड में सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो पहली चीज उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, सही बात है। मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, तभी मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता हूं, सही बात कह रहा हूं यहां पर। तो बताइए मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी क्या बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होगी? तो यहां मैं कह सकता हूं बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही बात है। पहला पॉइंट सीखा कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो वहां पर मैं कह सकता हूं बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी होगी, सिंपल सी बात समझ में आती है। अगर मान लीजिए एक सेकेंड चीज मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए NH3 है और वाटर है, लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, आपको बताना है। तो मुझे ये बताइए H प्लस एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ, अपने लोन पेयर को H प्लस को डोनेट करेगा जिसकी वजह से ये H प्लस इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सही बात है। यही काम वाटर करेगा तो वाटर के साथ क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो बताइए इलेक्ट्रॉन खाली होने पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लगा दिया, क्या क्लियर बात समझ में आती है। अब आपसे किसी ने पूछा कि बताइए इसने जब H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बना NH4 प्लस, इसने जब H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बना OH3 प्लस। तो मुझे बताओ अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूं तो मैं काम तो कर रहा हूं ठीक है, लेकिन काम करने के बाद मैं स्टेबल भी तो रहना चाहूंगा, पक्की बात है भाई, लोन पेयर ही तो डोनेट कर रहा है। लोन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे नाइट्रोजन का हो चाहे ऑक्सीजन का हो उसमें तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा
तो चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। और मुझे बताओ बच्चों, पॉजिटिव वहां स्टेबल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लो होती है। तो यहां पर बताओ ये क्वांटिटी स्टेबल है या ये? तो मैं कह सकता हूं यहां कौन स्टेबल होगा? ये। इसका मतलब H+ कौन जल्दी लेना चाहेगा? NS3। तो मैं यहां कह सकता हूं बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर बात है? मान लो मैंने आपसे बोला C- है, N- है, O- है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? तुरंत हमारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए और अपन क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी को समझते हैं और अपन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ के फंडे क्या होते हैं। क्लियर? बच्चों हमने यहां पर दो पॉइंट्स को देखे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं यहां पर पूछूं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर सबके पास है, लेकिन कहीं कहीं पर लोन पेयर के साथ क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। दिख रहा है आपको साफ साफ? यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है और यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है। क्या आपको पता है रेजोनेंस की जो कंडीशंस होती है वो क्या क्या होती है? वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको रेजोनेंस की कंडीशन नहीं पता है तो आप जरूर बेसिक स्टडी में गलती करेंगे। मुझे बताइए, अगर मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर खुद में ही कहीं डीलोकलाइज कर लिया है तो क्या मैं दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, या देने की टेंडेंसी रिलेटिवली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां की मैं बात करूं तो यहां पर लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज नहीं है, खुद के पास है, तो ये इजिली किसी को दे सकता है। यहां पर देखें तो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज किसके साथ है? C डबल बॉन्ड C। इसका मतलब इसकी देने की टेंडेंसी भी थोड़ी क्या होगी? कम होगी। अब कंपैरिजन की बात करें तो मुझे पता चला कि 2 अपने लोन पेयर बढ़िया से दे सकता है, बहुत अच्छे से डोनेट कर सकता है। 1 और 3 की बात करें तो इसमें एन का लोन पेयर रेजोनेंस में और इसमें भी रेजोनेंस में। बच्चों मुझे बताएं, सी डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड C, रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? C डबल बॉन्ड O की। इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या बची? कम बची। तो ये किसी को देने में क्या होगा? दिक्कत करेगा। इसके पास देने की टेंडेंसी क्या होगी? रिलेटिवली लो हो जाएगी। सी डबल बॉन्ड सी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करेगा, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन ये इजीली किसी को दे सकता है। इसका मतलब बताएं बच्चों, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 1। तो आपको समझ में आया कि जब आप रेजोनेंस करते हैं तब आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर की जाती है। मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन और है यहां पर, मान लीजिए मेरे पास यहां पर क्या होगा, एन है सेकेंड कंपाउंड में, एन के साथ यहां ऑक्सीजन लगा दिया और थर्ड कंपाउंड में डबल बॉन्ड एन लगा दिया। अब मुझे बताएं, अगर मुझे यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती तो मैं क्या करता? मुझे यह पता है कि एन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए, रेजोनेंस में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बेसिक पॉइंट यही है, यहां एन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा है। यहां एन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन ड्यू टू माइनस आई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींचेगा, जरूरी बात है। यहां पर ध्यान दें, क्या यहां पर N जब भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है इसका लोन पेयर हमेशा लोकलाइज्ड होता है? ध्यान रखें बच्चों, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब भी N के साथ डबल बॉन्ड है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब इन तीनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये sp3 है, ये sp3 है और ये sp2 है। तुरंत समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या यहां पर 1 और 2 पहले आएंगे और 3 बाद में आएगा? 1 और 2 में पहले कौन आएगा? 1 पहले आएगा, देन 2 आएगा, देन 3 आएगा, क्योंकि 2 में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ओ ऑक्सीजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन से खींच ले रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3। इसी ऑर्डर को बच्चों केवी के नाम से भी जानते हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka के नाम से जानते थे, Ka फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, वैसे Kb फॉर बेसिक स्ट्रेंथ।
तो केवी का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है बच्चों? सेम होता है, उनको हम सेम डिनोट करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या हुआ? केवी का ऑर्डर। क्लियर? तो आपको कैसे देखा मेन, आपको ये बस दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, इन दो पॉइंट्स की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यहां पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात की, पीकेवी और केवी, जैसे आपने वहां पर पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ में केए और पीकेए। के ए का ऑर्डर और पी के ऑर्डर रिवर्स होता था, पी के आदमी उल्टा हो जाता है, आपको मैंने बताया था। वैसे ही के बी और पी के बी क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आपसे के बी का ऑर्डर पूछे, इट्स मीन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। पी के बी का ऑर्डर पूछे तो पहले आपको के बी का ऑर्डर निकालना है, देन उसका रिवर्स करना है। क्लियर? तो मैंने कॉन्सेप्ट की बात की कि आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, पहली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों यहां पर NH2 है, यहां भी NH2 है, लोन पेयर कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, आपने देख रखा है यहां पर। ठीक है भाई, ये जो ग्रुप्स लगे हैं कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमम करने में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज करने में। कैसे? अगर इस फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करना चाहेगा, खींचना चाहेगा। और बच्चों दो क्लोरीन और ज्यादा खींचना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडक्टिव में कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उतना ही ज्यादा उसका इंडक्टिव फैक्टर ओवरऑल लगता है। मतलब एक हाई माइनस आई और दो लेस माइनस आई, क्वांटिटी ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी किसकी होगी? दो लेस माइनस आई की। इसका मतलब ये ज्यादा खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, और कम कर दिया तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, बताइए बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रही थी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कोई छोटा एटम है, साइज जिसका छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों? सेम चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो तुरंत आपका आंसर आ सकता है कि यहां पर केवी का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि फ्लोरीन का क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है। अब चार्ज उस पर क्या होगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसका मतलब किसी को डोनेट करने की टेंडेंसिटी क्या होगी? फिर ज्यादा होगी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सेम ऑक्सीजन है, सल्फर है और एसई है, तो बताएं मुझे साइज फैक्टर ऑक्सीजन का क्या होता है? कम होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं मैं, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई न्यूट्रल एटम है और कोई नेगेटिव चार्ज एटम है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कह सकते हो इसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कभी भी अगर OH हो और यहां पर वाटर हो तो आप किसको बोलेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? OH माइनस की। ठीक उसी तरह NH2 है और NH माइनस है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा बोलेंगे आप? NH2 माइनस की। यहां बात करते हैं, सब जगह NH2 का लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, ये मुझे देखने में समझ में आ रहा है, हर जगह लोन पेयर डीलोकलाइज है। इसका मतलब कि लगे हुए ग्रुप कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेंगे, और बच्चों हमने पढ़ रखा है रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा पे लगता है। ये पैरा पोजीशन है तो ये बताइए लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसका मतलब प्लस एम। सीएल हैलाइड का हमेशा माइनस आई लगता है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैथिल ग्रुप का मैक्सिमम क्या लगेगा? हाइपर कंजुगेशन। तो मुझे बताए डोनेटिंग टेंडेंसी 1 और 3 शो कर रहा है, तो ये पहले आएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे। और सीएल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? ये कम करेगा। तो बताएं 1 और 3 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? मेसोमेरिक फैक्टर, क्योंकि हमें पता है मेसोमेरिक, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताए आंसर 1, 3, 2। क्लियर हो गया? सिक्स क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले N का लोन पेयर डीलोकलाइज है या नहीं? बच्चों यहां पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड आ गए, यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहां भी कर रहा है। इसका मतलब तुरंत बिना सोचे मैं 1 को सबसे पहले कर सकता हूं क्योंकि इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। 2 और 3 में देखें तो ये प्लस H फैक्टर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो मैं कह सकता हूं 1 is greater than 3 is greater than 2, क्योंकि 2 में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी ही रहेगी। क्लियर बात समझ में आती है? तो और कॉन्सेप्ट समझते हैं और अच्छे से करते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ को यहां पर एंड करते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए,
अब जो टॉपिक आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिए पहले और फिर इन पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे मेन चीज आती है SIP और SIR। कभी भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आए हैं तो बच्चों यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। जे एडवांस बहुत पसंद करता है SIR इफेक्ट को। क्लियर? SIP का मतलब क्या हुआ बच्चों? S फॉर स्टेरिक, I फॉर इनेप्शन एंड P फॉर प्रोटोनेशन। क्लियर? स्टेरिक का मतलब आप सबको पता है, स्टेरिक मतलब बल्की ग्रुप्स। इनिप्शन मींस स्टॉप करना, रुकावट मींस स्टॉप करना। किस काम में? प्रोटोनेशन। बच्चों ये प्रोटोनेशन वर्ड क्या है? प्रोटोनेशन वर्ड का मतलब सिंपल सा है, N का लोन पेयर जब H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है, इसे ही हम कहते हैं बच्चों प्रोटोनेशन। प्रोटॉन को गिव इन करना, प्रोटॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो यहां पर SIP का क्या रोल है इसे आप समझो। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास अगर यहां पर ये ग्रुप होता, लेट सपोज, और यहां पर ये ग्रुप होता, मैंने क्या किया, एक ऑर्थो पर मैथिल ग्रुप मैंने यहां पर अटैच कर दिया। आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि यार बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो यहां पर भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, यहां पर भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है। ओवरऑल मैथिल ग्रुप कुछ ना कुछ प्लस आई देगा या प्लस एच देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। आपका आंसर यही होता। लेकिन बच्चों अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो 1 > 2 KV का ऑर्डर नहीं होता। यहां आता है SIP। क्या मतलब है SIP का? आप समझे, स्टेरिक की वजह से। मतलब क्या हुआ? अगर ऑर्थो ग्रुप पर स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, मतलब अगर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो मुझे बताए बच्चों, जैसे ही N अपना लोन पेयर H+ को देगा, जैसे ही N अपना लोन पेयर H+ को देगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा NH3+, और ये है मैथिल ग्रुप। और आपको मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा था कि अगर 2 बल्की ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, ऑर्थो पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया? बल्की ग्रुप हो गया। तो बताओ बच्चों, अभी तक सब कुछ सही था, जैसे ही इसने H+ लिया, वैसे ही रिपल्शन फैक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ ऐसा कोई काम वो करना चाहेगा जिससे उसको अनस्टेबिलिटी मिल रही हो? ऐसा कोई काम वो करना नहीं चाहेगा, मतलब ये H+ लेना नहीं चाहेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ का काम क्या होता है बच्चों? H+ को अब्स्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब यहां पर ऑर्थो पर अगर कोई बल्कि ग्रुप लगता है, उसकी वजह से यहां ये H+ नहीं लेना चाहेगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा 2 > 1। इसे ही बोलते हैं SIP, स्टेरिक की वजह से स्टॉप करना। किस काम में? प्रोटोनेशन। तो क्लियरली समझ में आया, SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? घटती है। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेशन में रुकावट का मतलब क्या हुआ? उसका धर्म ही छीन लिया यार, उसका काम, एक दयालु आदमी है, उससे दया करना ही छीन रहे हो तुम, ये कोई अच्छी बात है? नहीं। इसका मतलब ये NH2 ग्रुप जब लोन पेयर दे सकता था, तो अगर इसमें रुकावट हो रही है किसके कारण? मैथिल ग्रुप के कारण। इसी इफेक्ट को बोलते हैं SIP। क्लियर हो? यहां पर SIR इफेक्ट की, SIR क्या होता है? SIR का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनिप्शन इन रेजोनेंस। मतलब क्या हो बच्चों? स्टेरिक की वजह से रुकावट, स्टॉप करना, किस काम में? रेजोनेंस के काम में। क्या मतलब हुआ समझे इसको बच्चों। अगर मेरे पास कभी भी, मान लीजिए ये एक बल्की ग्रुप है, ऑब्वियस बात, NR2 मैंने आपको बताया था बल्की ग्रुप में आता है, यहां पर भी मैंने बल्की ग्रुप लगा दिया और यहां पर भी मैंने बल्की ग्रुप लगा दिया। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखती है तभी आप बोलेंगे कि यहां पर SIR इफेक्ट लगेगा। अगर ये बल्की नहीं हुआ तो SIR नहीं लग सकता। ये बल्की है, साथ ही साथ ये भी बल्की है, और साथ ही साथ ये भी बल्की ग्रुप है। तो अब क्या होता है बच्चों, ये अपना नॉन पेयर
इसके साथ रेजोनेंस कर सकता था, इजिली कर सकता था, लेकिन इनके रिपल्शन की वजह से इतना रिपल्शन होता है बच्चों की, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं। और जब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर गया तो अब प्लेन में नाइट्रोजन रहा ही नहीं। जब प्लेन में नाइट्रोजन रहा नहीं तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मुझे बताओ बच्चों, इसका लोन पेयर तो लोकलाइज हो गया, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके पास है। और जब इसके पास है तो ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने में क्या है, फिजिबल है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन इजिली ये दे सकता है। इसका मतलब क्या बेसिक स्ट्रेंथ SIR की वजह से बढ़ जाती? क्या समझाया मैंने? रिपल्शन इतना ज्यादा हो रहा था, इसको मिनिमाइज करने के लिए इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इजिली ये क्या कर गया, रोटेट कर गया। और रोटेट होने के कारण नाइट्रोजन का लोन पेयर प्लेन में नहीं रहा, और बच्चों रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, इसीलिए इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होगा। तो मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों कि अगर मान लो मेरे पास ये ग्रुप है NR2 है, और यहां मैथिल मैथिल लगे हैं, और इसी तरीके से यहां पर मैंने क्या किया, एक NH2 ग्रुप लगा दिया, तो मुझे बताओ इसका लोन पेयर तो डीलोकलाइज है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी। तो कभी भी SIR इफेक्ट आप देखोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा डोमिनेटिंग करेगा, बिकॉज ऑफ लोन पेयर क्या है, यहां पर लोकलाइज्ड है। ध्यान रखना बच्चों, SIR की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखें, और ध्यान रखें एग्जाम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर एंड करते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हमें प्रैक्टिस करनी है। कुछ लास्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जेई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेई में पूछे जा चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इनका, इन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां पर अभी हमने पढ़ा कि मेरे पास SIP इफेक्ट क्या होता है और SIR इफेक्ट क्या होता है। स्टेरिक की वजह से प्रोटोनेशन में रुकावट, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत नुकसान हो रहा है, प्रोटोनेशन करना बेसिक स्ट्रेंथ के फेवर में आता है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ SIP की वजह से क्या होगी, घटेगी। SIR का मतलब क्या था, स्टेरिक की वजह से रेजोनेंस में रुकावट, और बच्चों लोन पेयर अगर रेजोनेंस नहीं करेगा इसका मतलब किसी और को देने में फिजिबल होगा, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्थो पर बल्की ग्रुप है, जैसे ही ये किसी को H+ देगा दोनों में रिपल्शन शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कभी भी ये प्रोटोनेशन करना नहीं चाहेगा, तो यहां पर ये क्या है, SIP है, इसका मतलब सबसे लास्ट में यही आएगा। 2 और 3 में बच्चों ये क्लोरीन विड्रॉइंग फैक्टर है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, और यहां पर कुछ भी नहीं होगा, तो 2, 3, 1 क्या क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करता है, क्या दिख रहा है बच्चों SIR इफेक्ट है, यहां पर दिख रहा है आपको कि रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड मूव कर जाएगा, लोन पेयर रेजोनेंस अब नहीं करेगा, इसका मतलब किसी और को देने में फिजिबल है, इसका मतलब सबसे तगड़ा यहां पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि 2 में भी रेजोनेंस है और 3 में भी रेजोनेंस है, जब इसका लोन पेयर ही रेजोनेंस में चला गया तो दूसरे को देने में दिक्कत होगी। 2 और 3 मैथिल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है और क्लोरिन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आंसर आएगा 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 थोड़ा बहुत बढ़ाएगा और 3 में क्लोरीन घटाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको बोलते हैं गुआनिडीन बोलते हैं इसको। गुआनिडीन क्या होता है बच्चों, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। क्या होता है गुआनिडीन? वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यहां पर जो एन का लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है वो ओवरऑल जा किसके पास रहा है, एन के पास। यहां पर भी जो एन का लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है वो भी किसके पास जा रहा है, एन के पास। इसका मतलब यहां पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये सब के सब इक्विवेलेंट बनते हैं, सब के सब बराबर बनते हैं। इसका मतलब इसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये किसी को भी इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी रीजन से गुआनिडीन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाता है बच्चों, इसको ध्यान रखना। कहीं भी अगर ऐसा पैटर्न आए, ऐसा पैटर्न सिंगल भी आ सकता है, डबल भी आ सकता है, कहीं भी ऐसा पैटर्न दिखे सबसे तगड़ा बेस यही होगा। क्लियर है?
यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो लोन पे डीलोकलाइज है और यहाँ पर लोन पे डीलोकलाइज तो है, लेकिन जा किसके पास रहा है, नाइट्रोजन के पास, तो ये इजिली किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, यहां पर एक है जो लोन पेयर दे सकता है इस नाइट्रोजन को, मैथिल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ प्लस आई दे सकता है। यहां मैथिल और मैथिल है दोनों ही प्लस आई देंगे, और यहां पर बच्चों दोनों लोन पेयर देंगे, तो बताओ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूं 3 1 2। आंसर इज 3 1 2। बात करें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्या पूछा था, बेसिक स्ट्रेंथ। तो मुझे बताओ बच्चों सबसे पहले क्या देखोगे, एन का लोन पेयर, इस एन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसके पास है, कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा। इस एन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो तो सबसे तगड़ा बेस होगा, ये कंफर्म है। 2 और 3 में बच्चों ध्यान दें, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन कितना ज्यादा लोन पेयर देगा, कौन कितना कम देगा, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड सी दोनों में है। एक काम हम कर सकते हैं, वो काम क्या है, वो काम है प्रोटोनेशन। अगर मैं ये प्रोटोनेशन करता है तो बच्चों ये बन जाएगा NH2+। और बच्चों ये अगर लोन पेयर किसी H+ को देता है तो ये बन जाएगा NH3+। क्लियर बात समझ में आती है? मुझे बताओ अगर ये डोनेट कर रहा है तो बच्चों ये क्वांटिटी पता है क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्यों? अभी ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बताओ अच्छा खासा एरोमेटिक था, अच्छा खासा एरोमेटिक था, प्रोटोनेशन करने के बाद नॉन एरोमेटिक हो गया, क्या ये ऐसा काम करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब ये बहुत बेकार बेस होगा। यहां पर अभी भी एरोमेटिक है, पहले भी एरोमेटिक ही था, इसीलिए बच्चों 1 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया आपको? बच्चों ने बहुत कुछ यहां पर कंप्लीट किया है, इससे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं है। जितनी भी चीजें थी मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें और आप समझ जाएंगे कि हर एक चीज यहां पर कवर की गई है। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे, और बच्चों शेयर करना मत भूले, क्योंकि इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। क्लियर है बच्चों? तो करते रहे, पढ़ाई करते रहे, मौज करते रहे, और साथ ही साथ केमी कूल के साथ जुड़े रहे। क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।